उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक ये उन्होंने दिनेश कर्नाटक ने उसका उल्लेख किया था, पंकज बिष्ट का उपन्यास, जो एक तरह से पहली बार यहाँ के जीवन के समाज आर्थिकी का बहुत व्यापक और बहुत गहराई से चित्रण करता है प्रहाड़ी जीवन का, वो था उस चिड़िया का नाम। इसकी हिंदी साहित्य में बहुत बहुत अधिक चर्चा हुई और काफी पर्याप्त बहुत मैंने इतना वो एक तरह से संस्कार के 12 दिनों के संस्कार के दिनों के अलग अलग अध्यायों के रूप में उसे विभाजित किया गया है और पहाड़ी स्त्री का जो एक नारकीय जीवन है उसको किस तरह से वो एक उत्पादन उसके हाथ में होते हुए भी किस प्रकार का जीवन जीती है और उत्पादन का आधार होने के बावजूद उससे किस कदर वो विमुख रहती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास आप लोगों ने शायद उपन्यास का नाम तो सुना ही होगा, उकाव। उकाव कुमाऊनी का शब्द है जिसका अर्थ है चढ़ाई चढ़ाई। तो कृष्ण शर्मा का उकाव उपन्यास यानी एक तरह से पहाड़ी औरत का की सारी जिंदगी चढ़ाई चढ़ने में ही लगातार, चाहे वो घास लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए या और तमाम श्रम के विभिन्न कार्य करते हुए लगातार चढ़ते चढ़ते चले जाना रहता है। इस दर्दनाक स्थिति को उन कृतिक शर्मा ने उकाव में प्रस्तुत किया। उनके उनके और भी उपन्यास हैं लेकिन उकाव एक तरह से पहाड़ी जीवन का एक बहुत बड़ा संदर्भ प्रस्तुत करता है। गोपाल उपाध्याय के जीवन में जो परस्पर जातिवादी जो अंतर विरोध मिलते हैं हमारी पहाड़ी समाज में उसको उन्होंने चित्रित किया है। इधर एक बहुत महत्वपूर्ण इसी क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि उनमें गांव को एक मिथिकल ढंग में बहुत सीधे प्रस्तुत न करके जो कि हिंदी साहित्य में भाषा और शिल्प की दृष्टि से बेहद एक नए तरह का, संपूर्ण हिंदी साहित्य के संदर्भ में कह रहा हूँ, एक नई भाषा, नई शैली और एक नया नई कल्पनाशीलता के साथ उत्तराखंड के गांवों को प्रस्तुत करने वाले रचनाकार हैं नवीन कुमार नेथानी। नवीन कुमार नेथानी का एक संग्रह है सॉरी की कहानियाँ, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ युवा सम्मान भी मिला था और भारतीय ज्ञानपीठ से ही ये छपा है सॉरी की कहानियाँ। उन्होंने एक पहाड़ी गांव की कल्पना की है, जैसे मालगुड़ी गेट मालगुड़ी देश की कल्पना की है, उसी तरह से एक गढ़वाल का एक गांव ग्रामांचल है सॉरी, तो वहाँ विचित्र किस्म का एक व्यक्ति है जिनकी कभी उम्र ही पूरी नहीं होती है, सारी जीवन वो एक तरह से यहाँ के मनुष्य की विडम्बनाओं का इतना गहरा चित्रण उत्तराखंड के लेखकों के द्वारा प्रस्तुत करने वाले रचनाकारों में ये पहले रचनाकार हैं जिन्होंने एक तरह से एक बहुत मिथकीय ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत किया, एक बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत किया। उसको संपूर्ण हिंदी साहित्य में भी, हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचकों ने भी इसकी चर्चा की है और नवीन कुमार नेथानी की भाषा, उनकी शैली और उनका प्रस्तुतिकरण यहाँ के जीवन का जो एक चित्र है वो पिछली बार तो यहाँ थे भी वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उसमें प्रस्तुत किया है। उस कड़ी की कुछ और इधर कुछ कहानियाँ उन्होंने और लिखी हैं। इन्हीं मिथक के आधार पर हालांकि बहुत कम कहानियाँ लिखी हैं, मोहन थपलियाल की कहानियों में भी, हालांकि वो कस्बाई संवेदना के रचनाकार हैं लेकिन मोहन थपलियाल की कहानियों में भी उस जीवन को, मुकेश नौटियाल की कुछ कहानियां हैं उसमें उन्होंने उसमें उसे प्रस्तुत किया है। अभी बिल्कुल युवा लोगों में ग्रामीण जीवन को लेकर के अनिल कार्की की कुछ कहानियां सामने आई हैं जो उनके नितान्त दूरस्थ पिथौरागढ़ के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक, अब अभी तक तो ये होता था कि पहाड़ के बारे में जो छवि बनाई जाती थी वो एक सुंदर भौगोलिक दृष्टि से सुंदर प्रदेश के रूप में यहाँ के पहाड़ की छवि बनाई जाती थी। इसकी शुरुआत जैसा मैंने कहा शैलेश मटियानी, विद्यासागर नौटियाल, पंकज बिष्ट या पानू खोरिया, राधा कृष्ण कुकरेटी, क्षितिज शर्मा, जगदीश चंद पांडे,
नवीन कुमार नेधानी विशेष रूप से इन काम, क्योंकि उन्होंने इसे यहाँ के जीवन को सीधे सीधे प्रस्तुत न करके उसको एक बहुत ही रूपक, एक अलग तरह के रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। लेकिन जैसे मनोहर श्याम जोशी ने हिंदी भाषा को, हिंदी कथा भाषा को एक बिल्कुल नए तरह का मुहावरा दिया है, एक नई तरह की भाषा दी है। वो उन्होंने अपने टीवी सीरियल्स के माध्यम से, जो हिंदी में टीवी सीरियल के जनक भी माने जाते हैं मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने हम लोग के माध्यम से जिस तरह से प्रस्तुत किया, या नेताजी कहन के माध्यम से प्रस्तुत किया, उसी प्रकार से उनके उनके जो उपन्यास और अलग अलग अनेक कहानियाँ हैं उसके माध्यम से, कसब में शहरी जीवन से जुड़ी हुई भाषा है उसमें, लेकिन एक कुमाऊनी को, एक एक, एक यहाँ की जो जो ठेठ कुमाऊनी है उसका हिंदी, बल्कि उसमें तो कसब नाम के उपन्यास में तो उसकी दो तीन पृष्ठ की भूमिका ही है, जिसका शीर्षक है कुमाऊनी हिंदी, यानी हिंदी का उन्होंने कुमाऊनी के, कुमाऊनी का हिंदी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया है। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय भाषाओं को उत्तराखंड के लोगों ने, यहाँ के ग्रामीण जीवन को लेकर के लिखने वाले लोगों ने एक नई भाषा, एक नया मुहावरा, एक नई शिल्प और एक नया स्वरूप दिया है, जिससे कि आधुनिक हिंदी, हमारी हिंदी कथा साहित्य हर दृष्टि से समृद्ध हुआ है। आने वाला समय आप देखेंगे इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। मैं तो असल में बोलने के लिए नहीं आया था, कि इन्होंने रानुकृष्ण जी ने कृपा पूर्वक ये दो पुस्तकें मेरी जो छापी हैं, इनका भी विमोचन उन्होंने कहा कि इनका होना है, तो उसी सिलसिले में मेरा नैतिक दायित्व तो बनता था कि मैं यहाँ विमोचन के अवसर पर आता। अगर बोलना है वो आता तो शायद उस ढंग से मैं तैयारी करके आता, लेकिन एक जो मोटे तौर पर दिमाग में थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।